लाहौर पुलिस ने 30 पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा पुलिस की मुदय्यत में दर्ज किया गया। एफआईआर के मुताबिक मुलजिमान ने 9 मई के मुकदमात में इश्तिहारी हम्माद अजहर को गिरफ्तारी से बचाने के लिए मज़ाहमत की। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं, मिर्ज़ा रमज़ान बेग हमारे साथ मौजूद हैं। रमज़ान बेग बताएगा, मुकदमा किन किन रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज हुआ है और क्या दफात आयद की गई हैं? जी बिल्कुल जी, थाना थाना में तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों पर मुकदमा दर्ज हुआ और पीटीआई लाहौर के सदर शेख इम्तियाज वालिया हमजा समेत 30 से 40 अफराद के खिलाफ जो है पुलिस की मदयत में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा इश्तिहारी मुलजम हमाद अजहर को पुलिस की हिरासत से छुड़ाने पर दर्ज किया गया और पीटीआई के जलसे में इश्तिहारी हमाद अजहर स्टेज पर मौजूद थे और मुलजम को पकड़ने के लिए जब उसके साथी उनको छुड़ाने के लिए आगे बढ़े तो पुलिस से हाथापाई होगी, जिसके नतीजे में 30 से 40 कारकुनों ने पुलिस को धक्का दिया और छुड़ा के हमाद अजहर को ले गए। इश्तियारी हमाद अजहर इसी वक्त गाड़ी में बैठकर मौका से फरार हो गए, तहम पुलिस की मुदय्यत में दर्ज कर लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा रमज़ान बेग अपडेट करने के लिए।